बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको बताया गया था कि हम अम्ब्रेला वाटरफॉल जा रहे हैं, तो जा रहे थे रास्ते में, ये देखें कितनी हसीन वादी है, लेकिन यहाँ लैंड स्लाइडिंग हुई है और वो भी एक एडवेंचर बड़ा प्यारा है। यहाँ रुके हैं हम, दरख्त काटे जा रहे हैं, वहाँ क्या बाग मिलकर बारियाँ लगी हुई हैं, कभी कोई मिलकर, ये मुज्तबा खड़ा है, आगे अली हमज़ा खड़ा है, हमज़ा, ये हम यहाँ स्टे किया हुआ है। और मनाजिर देखिए दरख्तों के, और बस कुदरत के ये शाहकार हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह नज़ारे हैं। ये देखिए ये दरिया बह रहा है, एक नाली सी आ रही है, दरिया से अटैच है ये, और यहाँ हम पत्थर हटा रहे हैं, मेहनतें की जा रही हैं। मेरे हाथ भी आप देखें, मेरे हाथ देखें ना, निशान पड़े हुए हैं। ले जी चल पड़े हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। जिस दिल विच सजना बस जाइए, आप ये बस कुदरत के नज़ारे देखिए, और पीछे वो आबशार जो हमने क्रॉस की है वो सजी कोट की आबशार है। अब आगे हम मज़ीद तकरीबन 3 किलोमीटर है अभी अम्ब्रेला वाटरफॉल, और सिर्फ रोड्स देखिए और लुत्फ लीजिए। उस दिल ते जुल्म का मैदान जदों प्यार किसे नल पाली मुश्तबा भाई, जैन सईदी भाई, और ये काफ़ी सारे भाई हैं जो बाइक टूर कर रहे हैं। रोड काफ़ी स्लिपरी है, शूज़ मैंने तो पहने हुए हैं, मुश्तबा भाई ने और जैन भाई ने जूती पहनी हुई है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे, क्योंकि बारिश हुई है। बारिश की वजह से मिट्टी जो है वो गीली हो के वो चिकनापन आ गया उसके अंदर। बड़े पक्के पांव रखिएगा भैया, अल्लाह अपनी ईमान में रखे हम सबको। ये ट्रैक है जी, आप देख सकते हैं काफ़ी डेंजरस ट्रैक है, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे। आ जाओ यार, क्या हो गया? सड़क स्लिप नहीं होना, आराम भी आना सी, पहुंचो सी आ रहे हैं अंदर, इतना सड़क नीचे प्लेन आ गया। मुश्तबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उनका हाथ पकड़ा, ये जीवन साथी होने की निशानी। और जैन सईदी साहब दौड़ सईदी साहब निकल गए ने, वो गाने लें जी, और नज़ारे आप देखें, माशाल्लाह नज़ारे आप देखें जी। नहीं जी, बस ऐसे शौक से बना रहे हैं व्लॉगिंग, क्या आपने करनी है, बच्चों को दिखाएंगे घर जाके। ये ट्रैक आप देखें जहाँ पे हम चल रहे हैं, बिल्कुल एक बंदे के चलने की जगह है और उसके बिल्कुल नीचे खाई है, और व्यू आपके सामने है, और ये हम हैं, हम पीछे इस इमाम के हैं। और जी जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ हाँ आपको मैं कैप्चर कर रहा हूँ, जा रहे हैं अपने ट्रैक पे, बस पांव पक्के रखिएगा। देखें जी वो है दरिया, दरिया काफ़ी अभी नीचे है, मज़ीद हमें कोई 20 मिनट का सफ़र लगेगा नीचे जाते हुए।
ट्रैक काफ़ी ख़तरनाक ज़रूर है, लेकिन मुश्किलों के बाद ही आसानियां मिलती हैं भैया। ये चीज़ मेरे अजीज़। यस मुश्तबा भाई, आपके क्या तासुरात हैं इस ट्रैक के बारे में? मेरे तासुरात ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि मेरी जूता जो है वो ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। असल में हमें कोई जोगर का इंतजाम सोचना चाहिए था पहले। सोचना चाहिए था, हमें नहीं था पता ना। नहीं पता था तो इसलिए फिर अब स्लिपरी जूते सैंडल पहने हुए हैं, तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक काम। ये देखें ना सईदी साहब कितना हल्के हल्के जा रहे हैं, वो देखें जा रहे हैं। ज़ूम करके दिखाएं कहाँ पे हैं। हाँ इनको मैंने ज़ूम कर लिया। कर लें जी बिस्मिल्लाह। फाइनली हम नीचे पहुंच गए हैं, और हमने जब वो देखा था YouTube पे तो यहाँ नीला बिल्कुल पानी होता है, साफ़ सुथरा, लेकिन क्योंकि सावन है, बारिशें हुई हैं, तो सारा पहाड़ों से बारिश का पानी नीचे आ रहा है, और एक अजीब मंजर कशी उसने खींची है। देखिए ज़रा सुभान अल्लाह, भाव देखिए पानी का, वाह। देखिए ना वो अपनी व्लॉगिंग में लगा हुआ है। हमारा दरिया है, हमारा दरिया है, हमारा अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा। ये जरा मुज्तबा को देखिए। यकीन मानिए हमारी बस हो गई है, और अभी हम वो एक तिहाई भी नहीं आए, और अभी हमने वो ऊपर जाना है जी, सबसे ऊपर, वो देखें वो ऊपर पहाड़ पे। हम वो तो आए लेकिन हालात जो हैं खराब ही हैं।